हेलो एवरीवन, चैप्टर 3 हम पढ़ रहे थे जिसमें कल हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था। उसी को आज नेक्स्ट टॉपिक को कंप्लीट करते हुए चैप्टर को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो सिलेबस में दिया है वो है सेंट्रिपिटल एंड सेंट्रिफ्यूगल फोर्सेस विद लाइव एग्जांपल्स, मतलब अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल जीवंत उदाहरणों के साथ। जीवंत उदाहरण वो होते हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं या फिर हमारी लाइव लाइफ में हैपन होते रहते हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले हम पहले देख लेते हैं कि छद्म बल या सूडो फोर्स क्या होता है। बल आप सबने पढ़ा है, मैंने भी अपने लेक्चर में कवर किया है। छद्म बल यानी कि वर्ड से पता चल रहा है, हिंदी में छद्म का मतलब होता है जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, आभासी होता है, नकली, जिसे आप कहते हैं आर्टिफिशियल। यानी सूडो फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब वास्तव में कोई बल नहीं होते लेकिन बल लगता हुआ प्रतीत होता है। यानी कि एक्चुअली उस वस्तु पर कोई बल नहीं लग रहा होता, केवल हमें महसूस होता है कि ऐसा कोई बल लग रहा है। ऐसे बल जो होते हैं वो छद्म बल या सूडो फोर्स कहलाते हैं। अब सूडो फोर्सेस होते किस वजह से हैं? देखिए, अब तक जो आप बल पढ़ रहे थे इस चैप्टर से, इस टॉपिक से पहले तक जो आप फोर्स पढ़ रहे थे वो रियल फोर्सेस थे, मतलब वास्तविक बल थे और वास्तव में लगते थे। दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जहां से आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं किसी, हमें कोई भी चीज को नापने के लिए, जैसे आप किसी भी लंबाई को या किसी भी कमरे की हाइट को 12 फिट बताते हैं। अगर आपने कहा किसी भी कमरे की हाइट को, ये कमरा है ये 12 फिट हाइट का है, तो 12 फिट आपने कहाँ से माना? अगर आप ग्राउंड को 0 लेके चलते हैं तो आपके कमरे की हाइट 12 फिट आएगी। अगर मैं ग्राउंड को 1 मान के चलूँ कि ग्राउंड जो है वो मेरा 1 सेंटीमीटर पे है, तो अब कमरे की हाइट क्या आएगी? 12 फिट और 1 सेंटीमीटर, क्योंकि जो पहले मेरा 0 था अब वो 0 नहीं होकर वो मैंने 1 सेंटीमीटर लिया है। तो जहां से आप नापना शुरू करते हैं या मूल बिंदु जिसे कहते हैं, ओरिजिन जिसे कहते हैं, वो आपका रेफरेंस पॉइंट कहलाता है, निर्देश बिंदु। यानी कि मैंने यहां से नापना शुरू किया किसी बिंदु से, वो मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया। इसी तरीके से एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। आपने मैथ्स में XY एक्सिस पढ़ी होंगी, इसी तरह जब आप हायर क्लासेस में आते हैं तो आप पढ़ते हैं कि 3 एक्सिस होती हैं, X, Y और Z। जैसे हमारा जो रूम होता है उसका कोई भी एक कोना ले लीजिए, उस कोने से आपको 3 रेखाएं जाती हुई दिखेंगी जो आपस में 90 डिग्री पे होती हैं, जिसमें से एक आप एक्स एक्सिस मान सकते हैं, दूसरी आप वाई एक्सिस मान सकते हैं और तीसरी जेड एक्सिस कहलाती है। एक आपके कमरे की लंबाई को बताती है, दूसरी आपके कमरे की चौड़ाई को बताती है और तीसरे आपके कमरे की ऊंचाई को बताती है। ये कहलाता है आपका त्रिविम या 3 डायमेंशनल। 3 विमाएं हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसलिए 3 डायमेंशनल चीज हो जाती है। तो ऐसा कोई रेफरेंस पॉइंट या ऐसा कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस हो, वो कहलाता है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप का हो सकता है, जड़त्वीय और अजड़त्वीय। जड़त्वीय फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होते हैं जो या तो स्थिर होते हैं, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, जहां से आप किसी चीज को देख रहे हैं, किसी भी फ्रेम में आप देख रहे हैं, ये जड़त्वीय या अजड़त्वीय दो टाइप का हो सकता है। जड़त्वीय मतलब ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो या तो स्थिर है या फिर किसी नियत चाल से गति कर रहा है। अजड़त्वीय फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिस जो खुद गति कर रहा है और उसकी गति बदलती रहती है। तो ऐसे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, इनमें जो न्यूटन के नियम जब आप देखते हैं तो वो एज इट इज फॉलो नहीं होते, क्योंकि अजड़त्वीय फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की खुद की गति के कारण भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाता है और कुछ कंडीशंस में हमें ऐसा लगता है कि किसी वस्तु पर कोई बल लग रहा है लेकिन वास्तव में वो बल एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे बल जो है वो छद्म बल या सूडो फोर्स कहलाते हैं। देखिए,
हमारे टॉपिक में दो नाम है, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, यानी कि सेंट्रिपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रिपिटल और सेंट्रीफ्यूगल यानी अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल कैसे होंगे? सर्कुलर मोशन हम पढ़ रहे हैं या रोटेशनल मोशन? रोटेशनल मोशन चैप्टर का नाम है, तो यानी कि कोई भी वस्तु है वो सबसे पहले वो एक सर्कुलर पाथ पर मूव करेगी, वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है। तो मैंने मान लिया कि कोई कार है वो वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है। अब देखिए हिंदी के वर्ड्स उठाइए, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय। अप का मतलब होता है हमेशा दूर जाने वाला, और अभी का केंद्रीय का मतलब होगा केंद्र की तरफ आने वाला। तो यानी कि किसी भी वस्तु की गति के कारण अगर कोई, पहली बात ये सूडो फोर्सेस है, छद्म बल है, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय दोनों बल सूडो फोर्सेस हैं, एक्चुअली नहीं लगते लेकिन लगते हुए प्रतीत होते हैं। तो किसी भी वस्तु की गति के कारण अगर उस वस्तु पर बल उस सर्कुलर पाथ के केंद्र की तरफ लग रहा है तो इसे आप कहते हो सेंट्रिपिटल फोर्स। अगर इसका उल्टा हो, यानी कि वस्तु की गति के कारण उस पर लगने वाला बल जो है वो केंद्र से बाहर की तरफ लग रहा हो तो उसे कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। ठीक है, अब हम इनके लाइव एग्जांपल्स देखते हैं जो टॉपिक हमारा मेंशन किया हुआ है। तो अभिकेंद्रीय बल जो है, हमने देखा अगर कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चल रही है तो उस पर कोई बल वृत्त के केंद्र की तरफ कार्य करता है और ऐसे बल को आप अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे हम सभी ने अपनी डे टू डे लाइफ में वो खेल खेला होगा, किसी धागे से किसी पत्थर को बांध दिया और फिर उसे गोल गोल घुमाते हैं। ठीक है, तो उस पत्थर की जो गति है वो सर्कुलर पाथ पे होगी, वृत्ताकार पाथ पे होगी। घूमते हुए जब ये पत्थर हम उसे किसी पॉइंट पर लाकर छोड़ देते हैं अगर, या उस रस्सी को छोड़ दिया जाता है, तो देखिए नॉर्मल टाइम में या न्यूटन का नियम क्या कहता है कि अगर हम कोई गति कर रहे हैं तो हम जैसे ही धीरे धीरे अपना स्लो करते हैं या रुकते हैं तो जिस पथ पर, स्पीड कम करने के लिए हम जिस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं उसी पथ पर आगे कुछ दूरी तक बढ़ते जाते हैं। जैसे कोई कार अगर ड्राइव हो रही है, कोई कार चल रही है और आप उसे अचानक से उसका इंजन ऑफ कर देते हैं तो वो कार चलते चलते थोड़ी और अपने रास्ते पर थोड़ी दूर और चलती है और आगे जाकर रुक जाती है। तो उस रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, जैसे ही आपने इस पत्थर को छोड़ दिया तो ये पत्थर वृत्ताकार पथ पर थोड़ी सी दूर आगे जाकर गति करना चाहिए था। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि जिस बिंदु पर आपने छोड़ा उसे, जिस बिंदु पर आपने उस पत्थर को छोड़ दिया, वो पत्थर सीधा उससे आगे की तरफ गति करता है। जैसे जो सेकंड डायग्राम है उसके अंदर दिखाया गया है कि जैसे ही आपने स्ट्रिंग को रिलीज किया, जैसे ही उस पत्थर को आपने छोड़ दिया, वो जो पत्थर है वो ए की तरफ जाता है, जो पॉइंट ए है उसकी तरफ जाता है, ना कि बी की तरफ। जैसे हम नॉर्मल रूल न्यूटन का पढ़ते थे उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, ये वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो यहाँ से जैसे ही उसे छोड़ा वैसे ही वो बी बिंदु की तरफ जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि उसके ऊपर अभिकेंद्रीय बल लग रहा होता है तो वो जो पत्थर है वो बी की तरफ नहीं जाकर बिंदु ए की तरफ, यानी कि स्ट्रेट गति करता है। सेम ऐसा ही एग्जाम्पल पृथ्वी और सूर्य के केस में होता है। पृथ्वी, हम जानते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है या दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है, केपलर के नियम के अकॉर्डिंग देखें। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो पृथ्वी की जो वृत्ताकार पथ पर गति है उसके कारण सूर्य और पृथ्वी के बीच अभिकेंद्रीय बल काम करता है, यानी केंद्र की तरफ, जहाँ केंद्र पर सूर्य है तो इस केंद्र की तरफ पृथ्वी मूव करती, पृथ्वी पर एक बल लगता है जिसे आप सेंट्रिपिटल फोर्स का एग्जांपल कह सकते हैं। दूसरा बल आपके पास आता है अपकेंद्रीय बल या सेंट्रिफ्यूगल फोर्सेस। तो जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि अपकेंद्रीय बल है वो छद्म बल होता है। अपकेंद्रीय बल की दिशा क्या होगी, अभिकेंद्रीय बल के विपरीत। अभिकेंद्रीय बल लगता है किसी भी वृत्ताकार पथ के केंद्र की तरफ,
अब केंद्रीय बल लगेगा उससे विपरीत दिशा में। अब अपकेंद्रीय बल के एग्जाम्पल क्या होंगे, क्योंकि टॉपिक में हमारे मेंशन है लाइव एग्जाम्पल्स। तो देखिए, हम जब झूला झूलते हैं, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, जब हम झूला झूलते हैं तो हम उसकी रस्सी को पकड़ के रखते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर हमने रस्सी को नहीं पकड़ा है, तो जो झूले की गति हो रही है, हिसाब से क्या होना चाहिए, जैसे जैसे ही झूला मूव कर रहा है वैसे वैसे हम भी मूव करते हैं। लेकिन अगर हम रस्सी को पकड़ के नहीं रखेंगे तो बाहर की तरफ एक बल फील करेंगे, जो होगा हमारा अपकेंद्रीय बल, और हम झूले से नीचे भी गिर सकते हैं। उस गिरने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी रस्सियों को पकड़ के रखते हैं। तो यानी उस केस में जब आप झूला झूल रहे हैं, उस केस में भी ये अपकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। या फिर दूसरा केस क्या होगा, जैसे कोई व्यक्ति किसी कार में बैठ के जा रहा है, अब कार को अचानक आपने दाईं तरफ घुमा दिया, दाईं तरफ घुमा दिया तो क्या होगा, वो व्यक्ति बाईं तरफ वाली साइड में झुकाव महसूस करता है। ऐसा क्यों होता है कि गाड़ी को मुड़ने के लिए, दाईं तरफ मुड़ने के लिए जो फोर्स लगता है वो उसे मिल जाता है। यानी कि गाड़ी को तो अपना मुड़ने के लिए अभिकेंद्रीय बल मिल जाता है, लेकिन न्यूटन का नियम, जड़त्व का नियम क्या कहता है कि कोई भी वस्तु है वो अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है। यानी अगर वो गति कर रही है तो गति करती जाती है, और अगर वो स्थिर है तो स्थिर रहती है। ये न्यूटन का नियम कहता है, जड़त्व का नियम कहता है। तो जब आपने कार को टर्न कर दिया तो कार को तो अपना अभिकेंद्रीय बल मिल गया, लेकिन वो जो व्यक्ति है वो जड़त्व के नियम को फॉलो करता है, वो अपनी स्थिति को बनाए रखने चाहता है। इस स्थिति को बनाए रखने के लिए जैसे ही वो कार टर्न करती है, उसके ऊपर एक अपकेंद्रीय बल यानी कि विपरीत दिशा में वो झटके का अनुभव करता है। यानी हमने दो चीजें देखी, एक अपकेंद्रीय बल और दूसरा अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल किसी भी वृत्त के केंद्र की तरफ लगता है, और अपकेंद्रीय बल जो होगा वो केंद्र से बाहर की ओर लगता हुआ प्रतीत होता है, वास्तव में नहीं लगता लेकिन हमें लगता हुआ प्रतीत होता है। सिलेबस में इन दोनों के लाइव एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, मैंने आपको दोनों के दो दो एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। आप अपने बुक से या और कहीं आप सर्च करके देखिएगा कि और ऐसे आपकी डे टू डे लाइफ में ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं जिनमें अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल लगता है। आई होप आप लोगों को टॉपिक क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।